नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जी के सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज पत्रकारों को बताया कि 3 मई 2018 को सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया की तीसरी जन्म शताब्दी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जो उनके जन्म स्थान पाकिस्तान लाहौर आहलू जिला से चलकर देश भर में घूमेगी। इस मौके पर SGPC अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल, अकाली बुढ़ा दल के प्रमुख बाबा बलवीर सिंह मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं आपको। 300 साल जन्म शताब्दी बड़ी ही सत्कार दे नाल, बड़ी धूमधाम नाल, बड़ी शानो शौकत दे नाल 3 मई नूं मनाउण जा रहे हां। उहदा जो असीं रूपरेखा जां रूट तय कीता है, जो नगर कीर्तन आरंभ होणा है, ये हैगा जी 22 अप्रैल नूं कीर्तन दरबार होगे, मंजी साहब होणगे, उत्थे सारे समागम, धार्मिक समागम कीते जाणगे, और 23 अप्रैल नूं नगर कीर्तन दी आरंभता होणी है श्री अंबरसर साहब तों मंजी साहब गुरद्वारा साहब तो, और 24 अप्रैल लुधियाने पहुँचेगा, तो 25 अप्रैल पटियाले, 26 अप्रैल नूं करनाल, 27 अप्रैल नूं गुरु नानक प्यो साहब समाप्ति होएगी, तो रात के कीर्तन दरबार लाल किला विखे किए जाएंगे। इस तरह 28 अप्रैल नूं खालसा मार्च जिहड़ा सी वह भी लाल किले ते उत्थों होएगा, तो 29 अप्रैल नूं खालसाई खेडां कीतियां जाणगियां दिल्ली विखे। जिस तरीके 22 तारीक तो अमृतसर श्री अमृतसर दरबार साहब तो और 3 तारीक तक जब तक शताब्दी है, सारे प्रोग्राम प्रधान साहब ने दसे ने, एक डेलीगेशन साडा पाकिस्तान जाएगा। उस तो पहले उस पिंड जाएगा आहलूवाल पिंड, जिहड़ा 25 किलोमीटर है लाहौर तो, कि जिथों का जन्म है बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का। और इस तो इलावा दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच समुचियां निहंग सिंह जथेबंदियां बाबा बलबीर सिंह जी साढ़े नाल ने, आहलूवालिया समाज तो विजयपाल जी ने, संत समाज बहुत वड्डे प्रोग्राम उलीके जा रहे ने, किते सैमीनार होने ने, किते होर कई प्रोग्राम उलीके जा रहे ने। असी समझते हैं कि इतिहास जिहड़ा दुनिया कोल छुपया होया बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का, कि किस तरीके नाल अहमद शाह अब्दाली दे गिरफ्त विचों दी जेलां दे विचों दी 2200 गैर सिख लड़कियां नूं छुड़ा के हिंदुस्तान अपने घरां दे विच पहुँचाना, अलग अलग स्टेटां दे विच 16,000 बंदियां नूं छुड़वाना, पिछे सफीदो दे विच बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया का बुत लगाया गया, उत्थे मुख्यमंत्री भी आए सीगे। मैं समझदा कि ऐसे प्रोग्राम उलीकांगे कि दुनिया नूं पता लगेगा कि यह सिख इतिहास किड्डा महान है और इहदा मैसेज दूर दूर तक जाएगा। दर जी तो बाद बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का इतिहास दुनिया तक पहुँचाने का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक अकीदा किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई के अंदर सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल साहब, सरदार मनजीत सिंह जी GK साहब, बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी और सारिया ही विजयपाल जी जेडे आहलूवालिया समाज के नाल जुड़े हुए ने और बहुत अगवाई कर रहे ने इस समागम के जोड़ अगे ले जाण वास्ते। सो साडा मकसद ये आ देश तक इस गल नूं पहुँचाउणा, और असी अपील करांगे देश के प्रधानमंत्री नूं भी, देश के राष्ट्रपति नूं भी, इन्हां समागमां दे अंदर रहन और एक नैशनल लैवल दे अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे समागम होणगे। और इहदे नाल नाल असी दिल्ली दी विधानसभा दे अंदर भी विधानसभा अध्यक्ष नूं मैं अपील करूँगा, उन्हां नूं भी लिखती तौर पर कहूँगा कि जिथे उन्होंने बाकी जरनैलों के वास्ते बुत लगाउण नूं दिल्ली विधानसभा च परमिशन दित्ती आ, उत्थे जस्सा सिंह आहलूवालिया दा बुत भी दिल्ली विधानसभा च लग सके, इहदे वास्ते भी असीं उपराला करांगे और देश और दुनिया नूं पता लग सके कि इन्हां महान जरनैलां दी किन्नी वड्डी कुरबानी और किन्ना वड्डा इहनां दा योगदान आ इस दिल्ली नूं आज़ाद रखण वास्ते और खुशहाल रखण वास्ते, इहदी असीं पुरजोर कोशिश करदे रहांगे। गुरद्वारा रकाबगंज साहिब विखे जिहड़ी समुचियां जिवें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल जी ते सरदार मनजीत सिंह जी GK दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ते सरदार परमजीत सिंह जी राणा चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी दिल्ली गुरद्वारा ते विजय सिंह जी आहलूवालिया जी ते सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, सारिया ने अज समुचिया निहंग सिंह जथेबंदियों वालों जिथे शमूलीयत की गई, तो ये जिहड़े फैसले लाए गए ने अज जथेदार बाबा जस्सा सिंह जी आहलूवालिया जिन्हां दी 300 साल जन्म शताब्दी जिहड़ी है वड्डे पद्धर ते मनाई जानी है। तो मैं धन्नवाद करदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ते खास करके
ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਜਕ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ ਕੋ ਸਫੀਦੋ ਸੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਮਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਕਾ ਜੋ ਜਨਮ 300 ਸਾਲ ਹੈ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ-ਏ-ਉਲ-ਕੌਮ ਕੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਈ ਸੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਸਮਾਪਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 3 ਮਈ 2018 ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੇ ਸਮਾਪਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਮ ਸਭ ਉਨਕੋ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੌਮ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। यह थी दिल्ली से अमित महाजन की रिपोर्ट। आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया।